आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दिवाली की आपको बहुत बहुत बधाई, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली बाहरी रूप से बहुत बड़ा उत्सव है। अभी तो पूरे विश्व में दीपावली को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। हिंदुस्तान के लोग जहां जहां भी पहुंचे हैं, वहां वहां भी उन्होंने दीपावली को मनाना शुरू किया है। दीपावली दोस्तों रोशनी का पर्व है, लाइट फेस्टिवल भी इसको कहते हैं। पर मैं आज आपसे जो बात करूंगा वो हम अपने अंतर की लाइट को कैसे जलाएं। हमारी अंतर में जो अंधेरा है उसमें प्रकाश कैसे हो। हमारे पास उस भगवान ने, उस ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम कैसे अंतर में रोशनी करें और हमें पता चल जाए कि हमारे अंतर में क्या है, तभी हमारी दीपावली सार्थक होगी। दीपावली, काली चौदस, धनत्रयोदशी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। नवरात्रि मां की शक्ति की प्राप्ति के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति ली, शरद पूर्णिमा आई, आपने अपनी हेल्थ के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। अभी धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी जी की, भगवान कुबेर जी की पूजा करनी है। जैसे जैसे बाहरी रूप से पूजा करेंगे, अपने अंतर के भगवान कुबेर को, भगवान धन्वंतरी जी को भी जगाना है। और इसमें महाकाली जी की पूजा विशेष है। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। थर्टींथ नवंबर शुक्रवार महाकाली जी का दिन है, इसको काली चौदस भी कहा जाता है। ये महाकाली जी की साधना का दिवस है। अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से जो बताया गया है वो पर्सनल रूप से उसी को करें, पर सामूहिक रूप से इस दिन आपको अपने साथ नेगेटिव शक्तियों को कैसे जला करके राख करना है, आपके साथ जो तंत्र मंत्र है उसको कैसे कैंसिल करना है, आपके साथ कोई नजर का दोष उसको कैसे कैंसिल करना है। बाहरी नजर, अंतर की नजर, बाहरी तंत्र, अंतर का तंत्र। और आपने जो बार बार आप गोल निश्चित करते हो, बार बार अपने संकल्प निश्चित करते हो, वो संकल्प आपके टूट जाते हैं, उनके अंतर की जो रुकावट है उसको कैसे ठीक करना है। ये महाकाली जी का दिन है, ये काली चौदस का दिन है। इस दिन सुबह से 108 तंतु से या 51 तंतु से, मौली के जो धागे हैं उनसे एक सरसों के तेल की का दिया जलाएं, एक घी का दिया जलाएं, जो आप रूटीन में करते हैं उनको रहने देना है। ऐसे घी के दिए को लेफ्ट साइड में रखें, तेल के दिए को राइट साइड में रखें। मां की जो भी आपके घर में तस्वीर है, मूर्ति है, उसके साथ सामने रखें। कोई यंत्र है घर में तो उन सभी यंत्रों को तीनों दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जल से, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में रूटीन से
उनको फूल वगैरह चढ़ा के प्रसाद अर्पण करें, जो आप करते हो उसके लिए मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। और ऊंचे ऊंचे स्वर में, जैसे हम मेडिटेशन में भी कभी कभी करवाते हैं, क्लीम कालिकाय नमः, 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 इस मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे क्लीम नमः, क्लीम नमः, क्लीम नमः मंत्र का जाप करें। ऐसे जाप करते करते जब आपको लगे कि आप साधना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये काली चौदस टेक्निकल नहीं है कि ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको लगे कि आपके मां के चरणों की कृपा हो रही है, आप मां के चरणों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब एक येलो कलर का ऐसे लेमन लें, उस लेमन को प्रार्थना करके, सर से उतारा नहीं करना आज, प्रार्थना करके आज्ञा चक्र को ऑर्डर देना है, हे मां मेरे साथ जो भी कुछ नकारात्मक शक्ति है आप अपनी आज्ञा से उसको ऑर्डर दो। मैं अपने आज्ञा चक्र को ऑर्डर देता हूं कि जो भी नेगेटिव शक्ति इस लेमन में आ जाए उस लेमन को साइड पे रख दो। इसी तरह आपके साथ परिवार के मेंबर हैं उनको बिठा लो, अगर दूर दूर हैं तो आप तो साधक हो, साधना करने वाले हो, अच्छे हीलर हो, फिर अपने परिवार के मेंबर का, अपने पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, बेटे का, बेटी का, जिसको भी दोस्त को प्यार करते हो उसका लेमन लो, उसकी शक्ल को ऐसे आंख बंद करो सामने लाओ। और दोस्तों एक बात आपको बताता हूं कमाल की, जैसे आप ध्यान करोगे, अगर सच्चे रूप से आप ध्यान की क्लास में पहुंच गए हो तो जैसे उसने कलर के कपड़े पहने होंगे आपको पता चलेगा मैंने उसका ध्यान किया ऐसे ही कपड़े पहने थे। तो आप नींबू को फिर लो, कहोगे मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरी बेटी है बेटा है, तो उनके साथ भी जो नकारात्मक शक्ति है वो नींबू में प्रवेश कर जाए। ये सब के लिए आप अपने पहले गुरु का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करके फिर महाकाली जी का ध्यान करें जैसे कहा, तो फिर उन नींबुओं को चार पीस एक के काट काट करके उनको ऐसे बाहर फेंक दें। बाद उसके ये कार्य करने के बाद फिर स्नान कर लें, स्नान करने के बाद में दोबारा फिर माँ के चरणों में बैठें। ये आपके जागरण की रात है, जितना जग सकते हो जगें, जितना माँ के चरणों में ध्यान कर सकते हो करें। ये बहुत आसान सा आपको प्रयोग बताया, इसके करने से आपका सब कष्टों से मुक्त हो सकते हो, आप अपनी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हो। और दिवाली है, कल दिवाली में फिर पॉजिटिव शक्तियों को बढ़ाना है, उसके लिए अलग से कुछ कहता हूँ। तब तक के लिए इजाजत दें, माँ बहुत बहुत कृपा करें, आपके भीतर बैठी हुई माँ की शक्ति को प्रणाम करता हूँ।